ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸವಿಮಂಡ್ಯ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡ್ಯ हाय बच्चों, सभी मंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है गिरिजा के, मैं सरकारी प्रौढ़शाला मादरहल्ली मद्दूर तालुक यहाँ पर हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। आज हम आठवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कलिका चेत्री के किताब में निहित अभ्यास संज्ञा 1.6 और 1.7 में निहित कुछ विषयों को सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में आप लोगों ने वर्णमाला के बारे में सारे जानकारी जान चुके हैं, है ना? अब हम अभ्यास संख्या 1.6 में दिए गए अक्षरों में से स्वर और व्यंजनों को छांटकर अनुक्रम में लिखने का प्रयास करेंगे, है ना? देखिए बच्चों, नीचे स्वर दिया गया है। यहाँ पर स्वर के आगे स्वराक्षरों को छांटकर अनुक्रम में लिखना चाहिए। तो दिए गए अक्षरों में से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अक्षरों को मिलाकर दिया गया है, तो इनमें से पहले आने वाला स्वराक्षर कौन सा है? आ। तो यहाँ पर आ लिखना है। आ के बाद कौन सा अक्षर स्वराक्षर आता है? ई। ई आता है, तो ई लिखना है। उसके बाद कौन सा स्वराक्षर आता है? ओ। ओ आता है, तो ओ लिखना है। उ के बाद कौन सा अक्षर है? उ। उ भी है, उ वहां पर लिखना है। उ के बाद ए वाला स्वराक्षर है? ए। ए को लिखना है। उसके बाद आई। आई है, तो आई लिखना है। आई के बाद ओ। ओ अक्षर है, तो ओ लिखना है। ओ के बाद कौन सा स्वराक्षर है? अम। अम, वेरी गुड। अम के बाद आहा। आहा, तो हमने स्वराक्षरों को अनुक्रम में लिख दिया। बाद में हम जाएंगे व्यंजन अक्षरों को लिखने के लिए। अब यहाँ पर जो कुछ है अक्षर, इनमें से पहले आने वाला व्यंजन अक्षर कौन सा है? ख। ख है, ख वर्ग में से ख है। ख के बाद घ। घ है। घ के बाद छ। छ वर्ग में से छ है। छ के बाद छ। छ है, वेरी गुड। छ के बाद कौन सा अक्षर आता है? छ। छ अक्षर आता है, वेरी गुड। उसके बाद में ट वर्ग आता है, तो ट वर्ग में से कौन सा अक्षर है? ट। ट अक्षर आता है, तो उसके बाद ड। ड अक्षर आता है, तो ड के बाद कौन सा अक्षर आता है? न। न, वेरी गुड। न अक्षर आता है, तो त वर्ग में से कौन कौन से अक्षर हैं यहाँ पर? ध। ध है, वेरी गुड। ध को लिख दिया आपने। न के बाद कौन सा अक्षर है? न। न है, तो न लिखना है। न के बाद य। प वर्ग है, प वर्ग में से प। प है, प लिखना है बच्चे। ब है, प के बाद ब। ब है, तो ब लिखना है। ब के बाद कौन सा अक्षर है? य। य है, ये अवर्गीय व्यंजन में से आता है, तो ये लिखना है। य के बाद कौन सा अक्षर है? व। व है, व लिखना है। व के बाद स। स अक्षर है, वेरी गुड। स के बाद कौन सा व्यंजन अक्षर है? हा। आ है। देखिए बच्चों, अब हमने स्वर और व्यंजन अक्षरों को अनुक्रम से छांट कर लिख दिए हैं, है ना? तो अब हम अभ्यास संख्या 1.7, यहाँ पर जो विषय दिया गया है इस पर ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पर स्वर और व्यंजन अक्षरों को दिया गया है। हमें क्या करना है? जो स्वर अक्षर है उसके ऊपर हमें गोला लगाना है, जो व्यंजनाक्षर है उसके ऊपर हमें चौक लगाना है। तो देखेंगे पहले कौन सा अक्षर है? अ। अ है, तो अ कौन सा अक्षर है? स्वर है। अ स्वर है, तो क्या लगाना है इन पर? गोला लगाना है। वेरी गुड, गोला लगाना है। तो उसके बाद कौन सा अक्षर है? ट। ट है, ट क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है, तो क्या लगाना है? चौक लगाना है। तो उसके बाद म है। म क्या है? व्यंजन है। व्यंजन अक्षर है, तो व्यंजन अक्षर के ऊपर क्या लगाना है? चौक लगाना। वेरी गुड, चौक लगाना है। उसके बाद कौन सा अक्षर है? ऊ।
उ वर्ण आता है, उ क्या है? स्वर है। स्वर है तो क्या लगाना है? गोला लगाना। वेरी गुड, गोला लगाना है। उसके बाद री है, री क्या है? व्यंजन है, स्वर है। व्यंजन नहीं है बच्चों, ये क्या है? स्वर है। स्वर है तो इस पर क्या लगाना है? गोला लगाना, गोला लगाना है। वेरी गुड। उसके बाद और भी कुछ अक्षर है, वो क्या है? च, च है। ये क्या है? व्यंजन है, व्यंजन अक्षर है तो इस पर क्या लगाना है? चौक लगाना है। गुड। उसके बाद आई, वेरी गुड। ये क्या है? स्वर है, स्वराक्षर है तो गोला लगाना है। वेरी गुड, गोला लगाना है। उसके बाद है प अक्षर, प क्या है? व्यंजन, व्यंजन है तो क्या? चौक लगाना, चौक का गोला नहीं, चौक लगाना है। उसके बाद क्या है? अम, अम क्या है? स्वराक्षर, स्वराक्षर है तो क्या लगाना है? गोला लगाना, गोला है। लगाना है। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद क्या है? क, का है, का क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है तो चौक लगाना। वेरी गुड, व्यंजन है तो चौक लगाना है, लगा दिया। और भी कुछ अक्षर है, आगे देखेंगे। देखिए क्या, कौन सा अक्षर है? ट, ट है। ट क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या लगाना है? चौक लगाना। वेरी गुड, चौक लगा दिया ना। उसके बाद द, द है ना, द क्या है? व्यंजन अक्षर, व्यंजन अक्षर है तो क्या लगाना है? चौक लगाना, इस पर भी चौक लगाना है। उसके बाद कौन सा अक्षर है? ओ है, ओ है। ओ क्या है? स्वर है, स्वर है। वेरी गुड, स्वर पर गोला लगाना, गोला लगाना है। उसके बाद कौन सा अक्षर है? आहा, आहा। वेरी गुड, आहा कौन सा क्या है? स्वर, स्वर है, स्वर है तो गोला लगाना, गोला लगाना है। उसके बाद कौन सा अक्षर है? प, क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या लगाना है? चौक लगाना, चौक लगाना है। वेरी गुड बच्चे, आपने बहुत सारे सीख लिया है। और भी कुछ अक्षर है, देखेंगे आगे। देखिए कौन सा अक्षर है? ये ऊ है, वो क्या है? स्वर, स्वर है, स्वर है तो क्या लगाना है? गोला लगाना, गोला लगाना है। उसके बाद ज है, ज है, ज क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या लगाना है? चौक लगाना, चौक लगाना है। वेरी गुड। उसके बाद कौन सा अक्षर है? र, र है तो ये व्यंजन है, क्या तो लगाना, चौक है? लगाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, चौक लगाना है। उसके बाद औ, ये क्या है? स्वर है, स्वर है तो क्या लगाना है? गोला लगाना, गोला लगाना है। और लास्ट वर्ण है, कौन सा है वो? ये है, ये है, ये क्या है? स्वर है, स्वर है तो क्या लगाना है? गोला लगाना, गोला लगाना है, है ना। तो अब हम लोगों ने ये दोनों अभ्यास के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों को पहचानने का प्रयास कर लिया है ना। तो अब हमने सीख लिया है स्वर और व्यंजनों को कैसे पहचानना है। तो अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।